बचने के लिए कैसे सावधानियां बरतें। पहला, लू से बचने के लिए सत्तू खाएं। सत्तू में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो पेट और आंतों को चिकनाई और तैलीय पदार्थों को जलने नहीं देता, जिसकी वजह से कब्जियत नहीं होती और पाचन की क्रिया सुचारू रहती है। सत्तू के सेवन करने से लू नहीं लगती। सत्तू में मौजूदा बीटा ग्लूकेन शरीर में बढ़ते ग्लूकोज और अवशोषण को कम करके ब्लड में शुगर के लेवल को नियंत्रित रखते हैं। ठंडा सत्तू खाने से इसका शरबत पीने से रक्त का शर्करा नियंत्रित रहता है, रक्तचाप दुरुस्त और नियंत्रण रहता है। काले चने से बने सत्तू में उच्च मात्रा में फाइबर होने से कई कोलेस्ट्रॉल की समस्या कम रहती है, लेकिन मधुमेह के रोगियों के लिए सत्तू का सेवन करने से बचना चाहिए। जब भी घर में धूप से निकले तो पानी खूब पी कर निकले। इसके अलावा अपने साथ पानी की बोतल भी साथ रखें। कुछ कुछ अंतराल में पानी पीते रहें। साथ ही अपने खाने के में छाछ दही शामिल करें। सीजनली फ्रूट्स जैसे तरबूजा खरबूजा भी रोज़ खाएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।